राइट बेटे। और क्या बताना चाहेगा टीचर कि जो यूनिट्स वर्क की होती है वही यूनिट्स एनर्जी की भी होती है, किसी भी एनर्जी की, और वही यूनिट हीट की भी होती है। सेम यूनिट्स, सेम यूनिट्स। शाबाश बेटे। दूसरा पॉइंट टीचर इसमें क्या डिस्कस कर रहा है, मान लो ये पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने से ये बॉडी इतना डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में शो कर रही है। एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन इन मीटर, फोर्स इज ऑलवेज टेकन इन न्यूटन, और उन दोनों की डायरेक्शन में ये स्मॉलर एंगल है थीटा। तब आपके वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, नेक्स्ट क्लास में इसको आपको ज्यादा अच्छी तरह से बताया जाएगा। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों, फोर्स भी उधर हो डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो ये थीटा 0 डिग्री होता है तब। और कॉस 0 डिग्री जो होता है बेटे, कॉस 0 डिग्री, उसकी वैल्यू याद रखनी है 1। और अगर वर्क और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, वर्क और डिस्प्लेसमेंट सॉरी, तब ये थीटा 180 डिग्री होता है फिर, और उस केस में कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, याद रखना -1। ये दो वैल्यूज, और तीसरी एक आपको और याद रखनी है कम से कम, अगर फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, दोनों आपस में 90 डिग्री पर हैं बेटे, तब उस सिचुएशन में आपको कॉस ऑफ 90 डिग्री याद रखना है, जो कि 0 होता है। ये तीन वैल्यू तो मिनिमम याद रखनी है, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। गॉट इट? जिन बच्चों को नहीं पता नोट कर लो बेटे, ये मिलनी नहीं है आपको कहीं बुक, अगर आप सोचो बुक में मिल जाएगी, इधर मिल जाएगी उधर मिल जाएगी, यू विल नॉट गेट दैट। नोट करते रहो वरना क्वेश्चन होने नहीं है आपसे। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि आपको पावर निकालने के लिए वर्क को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना काम कितने वक्त में करा। ओके? और पावर, वर्क और टाइम, टाइम जब भी पुट करना है उनका यूनिट, उसका यूनिट सेकंड होना चाहिए। गलती से भी टाइम को मिनट में नहीं पुट करना, टाइम को आर में नहीं पुट करना। इसका मतलब अगर टाइम मिनट और आर में दे दिया उसने, तो मेरे बच्चे याद रखेंगे कि 1 आवर 60 मिनट होता है और 1 मिनट 60 सेकंड, ये कन्वर्जन फार्मूले हमारी मदद करेंगे। गॉट इट? एक कन्वर्जन फार्मूला टीचर पहले भी बता चुका। गॉट इट? और एक बात याद रखनी है बेटे, जो पावर होती है उसका जो इंटरनेशनल यूनिट होता है, एसआई यूनिट पूरे वर्ल्ड में, उसको वाट से लिखते हैं, वाट। आपको इसी को डाटा पुट करना है। लेकिन पावर की कुछ हायर यूनिट्स भी होती हैं, एक का नाम होता है किलोवाट, कभी कभी डाटा आपको इसमें दिया होता है, और एक का नाम होता है हॉर्स पावर, कभी कभी डाटा आपको इसमें दिया होता है। तो आपने याद रखना है कन्वर्जन फैक्टर्स, आपको वाट में डाटा पुट करना है हमेशा न्यूमेरिकल्स में। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। ये कन्वर्जन फैक्टर भी आपको याद होने चाहिए। और एक और खास बात याद रखनी है, बच्चों को सिर्फ पावर का यही फार्मूला पता होता है, लेकिन नाउ ए डेज एक और फार्मूला पावर का है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने लगे हैं, वो कौन सा है, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ थीटा। फोर्स क्या है, इधर को कितना जोर लग रहा है,
और वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो इधर को वेलोसिटी वी दिखा रही है, दोनों की डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल कितना है थीटा। तब पावर का एक ये भी फार्मूला होता है, वेलोसिटी को जब भी पुट करना है मीटर पर सेकंड में पुट करना है, मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटे, कुछ बच्चे सेटल होने में देर लगा रहे थे इसलिए मैं उनको फिर से बता देना चाहता हूं, कॉस ऑफ 0 डिग्री जो होता है वो होता है बेटे 1, कॉस ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0, कॉस ऑफ 180 डिग्री जो होता है वो होता है -1। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये मैंने अपने बच्चों को कुछ बेस बना के दिया। और मैं बताना चाहूंगा जिस चीज को मैंने बॉक्स में लिख दिया और उसके ऊपर स्टार भी लगा दिया, जिस चीज को मैंने बॉक्स में लिख दिया और उसके ऊपर स्टार भी लगा दिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे लेट कमर्स हैं, देर लग गई उनको सेटल होने में, कोई वो स्टार वाला बॉक्स नोट करने से रह ना जाए प्लीज, बाकी आप छोड़ भी सकते हो। वेयर एवर द टीचर हैज मार्क्ड द स्टार 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह पर टीचर ने स्टार लगाया, ये आपको अपनी कॉपी पे नोट करना ही है। शाबाश, हरी अप। इस तरह से टीचर ने अपने बच्चों का किसका किसका बेस बनाया, पावर एंड वर्क, हेडिंग लिख लो पावर एंड वर्क का, मैंने आपके लिए बड़ी जल्दी बेस बना दिया। जल्दी क्यों बनाया इतना, हमने असाइनमेंट भी करनी है और मेरे को यह भी पता लगा कि एक बार आप कर चुके हो, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश की बेटे। नाउ लेट्स मूव टू द असाइनमेंट, प्लीज ओपन योर असाइनमेंट, हम इसमें 2 3 क्वेश्चन करेंगे और जैसे ही नए बेस की जरूरत पड़ेगी टीचर रुकेगा, नया बेस बनाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। गॉट इट? रेडी बेटे, बोलो यस और नो, रेडी टू सॉल्व? अच्छा ये बच्चा आए क्लास में जरा, 9th A में अदिति शर्मा, प्लीज कम ऑन द माइक एंड रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। 9th A में अदिति शर्मा बेटे, शाबाश। 9th A में अदिति शर्मा, प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of these is an example of scientific work done? साइंटिफिक वर्क डन की कौन सी एग्जाम्पल है, कोई बच्चा बताएगा ऑप्शंस में क्या डी पार्ट लिखा है डी पार्ट में? क्लाइंबिंग स्टेयर्स ऑफ अ ब्रिज। मैं एक बार देखता हूं, थोड़ा स्पेस बना लूं बोर्ड पर बेटे। ये देखो टीचर ने सारा खास मटेरियल इस लाइन के लेफ्ट पर कर दिया, इरेज नहीं करा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक वर्क डन, साइंटिफिक वर्क डन का कौन सा है क्वेश्चन? स्टैंडिंग विद ए लोड ऑफ 2 kg, देखो ये बंदा है बेटे और उसने अपने सिर के ऊपर दो कितने किलो का भी हो चाहे 2 kg का भार रखा हुआ है, 5 मिनट के लिए खड़ा है। आप कहोगे सर इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही, डिस्प्लेसमेंट के जीरो होते ही वर्क का फार्मूला टीचर ने ये लिखा है। देखो जैसे एस को जीरो पुट करोगे तो वर्क इज गोइंग टू बी जीरो, नो वर्क डन फर्स्ट केस में। प्लेइंग वीडियो गेम विद सिटिंग ऑन द चेयर, एक बच्चा ऐसे सिटिंग चेयर पे बैठा है, उसके हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ है एंड सामने पीसी के ऊपर वो वीडियो गेम खेल रहा है। तो आप कहोगे सर बंदा यहां पर बैठा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। जैसे डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूले में पुट करोगे वर्क कम्स आउट टू बी जीरो। सिटिंग ए चेयर एंड रीडिंग द बुक, वो भी सेम केस हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन जब एक बंदा ब्रिज के ऊपर चढ़ता है बेटे, ये ब्रिज है, पर्सन ऐसे चढ़ रहे हैं तो उसका वर्क भी फोर्स भी जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, दोनों को इसमें पुट करेंगे तो वर्क भी जीरो नहीं आएगा, वर्क विल बी नॉन जीरो। देयरफॉर साइंटिफिक वर्क फर्स्ट क्वेश्चन डी ऑप्शन इज करेक्ट, और आप लोगों ने सही बताया। सेकंड क्वेश्चन, अ बॉय पुशेस ए लॉन मॉर
टू ए टोटल ऑफ 125 मीटर ओवर द ग्रास विद ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन हॉरिजॉन्टली, हाउ मच वर्क इज डन इन जूल। शाबाश, मैं चाहता हूं इसका आंसर मेरे को 9th B में ईशा करके एक बच्चा है, 9th B ईशा, अगर आप माइक पे आ सको बेटे। क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं अपने बच्चों को, एक मिनट में क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊं। ये एक लान रोलर है, राइट, और इस लान रोलर को कोई पर्टिकुलर पर्सन हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा है, हॉरिजॉन्टली, गॉट इट। और फिर क्या बताता है हमें कि ये लान रोलर 125 मीटर चला गया और फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, कितना बोल रहा है हॉरिजॉन्टल, 60 न्यूटन। कोई बच्चा बता सकता है जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो मेरे को थीटा कितना लेना पड़ेगा? एनीबॉडी क्लास में, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन बोथ इन द सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल वी कितना होएगा? 0 डिग्री। यस के नो बेटे? तो वर्क का मतलब एफ एस कॉस 0। हाँ जी बेटे, ईशा बता सकते हो आप? सर एब्सेंट। एब्सेंट, तो आप ही बता दो बच्चे, जो बोल रहा था वो बच्चा बोल सकता है? ए ऑप्शन। एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन, लेट्स सॉल्व इट। 125 यहाँ पुट करा, डिस्प्लेसमेंट को 60 न्यूटन पुट करा बेटे, कॉस ऑफ 0 डिग्री जैसे ही पुट करा आपको टीचर ने याद कराया, उधर टेबल देखो, ये देखो कॉस ऑफ 0 डिग्री 1। सो इसका मतलब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इतने जूल करके वर्क आएगा, देखो ठीक है बेटे, जूल वर्क। सो ए ऑप्शन इस गुड़िया का बिल्कुल ही सही आंसर है और इस बच्चे ने टीचर को खुश किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शाबाश, मैं ये चाहूंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में 9th B में एक ब्राइट बच्चा बोला गया क्लास में, 9th B में मेरे को अनु, हु इज अनु, 9th B में ऐसा बोला गया कि ये बच्चा top 5 में है, प्लीज कम ऑन द माइक एंड रीड दिस क्वेश्चन। शाबाश, रीड दिस क्वेश्चन। An object is moving with a uniform velocity along a particular direction. A retarding force of 5 Newton is applied in the direction as shown. The object stops after a displacement of 5 meter. What is the work done by the retarding force? Good job. Good job. बैठो बेटे, बैठो। तो question number 3 इस गुड़िया ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया पढ़ा और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ बेटे, अगर किसी बॉक्स को, ध्यान से सुना, बॉक्स अगर उधर को मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, देखो मैंने एरो किधर लगाया, लेफ्ट टू राइट, तो बॉक्स के वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं वो भी किधर को जाएंगे? लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और फ्रिक्शनल फोर्स का हमेशा नियम होता है, रिमेंबर, फ्रिक्शनल फोर्स का हमेशा नियम होता है रिटार्डिंग फोर्स का, कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ मोशन के हमेशा अपोजिट होता है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इधर हो गया और डिस्प्लेसमेंट किधर को है? जिधर को बॉक्स जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर को हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इधर को हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए, एंगल कितना हो गया थीटा? एनीबॉडी, एंगल कितना हो गया दोनों की डायरेक्शन में? बोलो बेटे, जोर से बोलो, जहां पर बैठे हो मेरे को पहुंच जाएगी आवाज। 90 नहीं बेटे, 90 नहीं, 90 तो ऐसा होता है, एक ऐसे और एक ऐसे, तब होता है 90 डिग्री, लेकिन जब दोनों चीजें अपोजिट हो 180 डिग्री। हम कभी कभी कहते हैं इस घर में हस्बैंड वाइफ की हमेशा लड़ाई होती रहती है, इनके विचार 180 डिग्री पे वेरी करते हैं, मतलब दोनों के विचार बिल्कुल अपोजिट है। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो कॉस ऑफ 180 डिग्री हमेशा याद रखना कितना? -1। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था? एफ एस कॉस ऑफ 180 डिग्री, थीटा को इतना पुट करा हमने, तो फोर्स हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, -1। फोर्स कितना दिया हुआ इस क्वेश्चन में रिटार्डिंग फोर्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? ऑप्शन। और डिस्प्लेसमेंट कितना बेटे? 5, राइट। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व करा इट बिकम्स -25। बोलो यूनिट क्या आएगा वर्क का? एनीबॉडी? बी ऑप्शन, जूल। शाबाश, तो इस तरह से ये हमारा ए ऑप्शन बना बेटे, ना बी, सॉरी बी ऑप्शन,
बी ऑप्शन, 33 का बी ऑप्शन। शाबाश। अब टीचर अपने बच्चों से एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर यस देना है तो सभी बच्चे राइट हैंड खड़ा करेंगे और साथ में यस बोलेंगे, अगर आपको आंसर उसका नो देना है तो सभी बच्चे लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे और आंसर नो बोलना है। हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन? बेटे जिस बच्चे का हाथ एक तरफ नहीं खड़ा हुआ वो मेरी क्लास छोड़ दे। वंस अगेन, हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस? यस गुड जॉब, गुड जॉब। जो बच्चे बेटा हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, अच्छा उनका फोटो स्टिल हो गया, ये कौन सा है, 9th D का कैमरा स्टिल हो गया शायद, कोई बात नहीं। सो देखो हमने जो भी, ये देखो इधर देखो बेटे, जो भी टीचर ने बेस बनाया उसके साथ हमारे तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फोर्थ क्वेश्चन बेटे, फोर्थ क्वेश्चन के लिए मेरे को अब अपने बच्चों के लिए एडिशनल बेस बनाना पड़ेगा। एडिशनल बेस के लिए मेरे को अभी फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन पे, शाबाश, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, फोर्थ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 5 में आप मेरे को बताओ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20, सॉरी, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ अगर वर्क हमारा नेगेटिव होना चाहिए, होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना होगा थीटा? एनीबॉडी? 180 ये देखो ऊपर एग्जांपल करके आए हैं, ये बच्चे ने एकदम से जज कर लिया सर, 180 डिग्री। विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? डी ऑप्शन। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा इससे हो गया, राइट। अब टीचर को आगे क्वेश्चन कराने के लिए फिर से नया बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इसको इरेज करने लगा हूं बेटे। शाबाश, कोई भी बच्चा अगर रहता है, इधर वाला पॉइंट जरूर नोट कर लो, जरूर नोट कर लो, फिर देख गड़बड़ हो जाएगा वरना। तब टीचर अब नए बेस की बात करने लगा है, उसके बिना आपका क्वेश्चन होएगा नहीं फिर। शाबाश, योर अटेंशन, योर अटेंशन, नया बेस बनेगा अब। देखो मैंने पुराना बेस इरेज नहीं करा, अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। नया बेस बेटे, नया बेस में बहुत से बच्चों से पूछो क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होता है, वो कहते हैं हाँ जी सर हमें पता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। लेकिन ये बेटे अच्छी डेफिनेशन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी के अंदर पोजेस्ड होती है इन गुणों की वजह से, बाय वर्च्यू, वर्च्यू मैंने गुण, वर्च्यू ऑफ इनमें से कोई भी गुण हो सकता है, पोजीशन के वो बॉडी जमीन से कितना ऊंचा उठा के रखी है, चेंज इन नेचुरल कॉन्फिग्रेशन, चेंज इन नेचुरल कॉन्फिग्रेशन। बच्चा कहेगा सर इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, चेंज इन नेचुरल कॉन्फिग्रेशन? बिल्कुल, एक स्प्रिंग ऐसा था, ठीक है, नेचुरल शेप, आपने उसको खींच लिया, आपने उसकी ये शेप बना दी, एक्सटेंशन कर दिया, तो इसका नेचुरल शेप डिस्टर्ब हो गया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर आपने इसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया होता, कंप्रेस, देखो ऐसे से ऐसे बना दो कंप्रेशन, या फिर ऊपर की तरह एक्सपेंशन, तो दोनों में, एक्सटेंशन में और कंप्रेशन में, दोनों में हमने स्प्रिंग का नेचुरल शेप डिस्टर्ब कर दिया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है बेटे। और भी होती है कोई पोटेंशियल एनर्जी? यस, चेंज इन शेप ऑफ बॉडी, शेप बोल दो चाहे कॉन्फिग्रेशन बोल दो। मेरे पास एक स्फेरिकल स्पॉन्जी बॉल थी, मैंने इसको हाथ में स्क्वीज करके इसकी शेप ओवल टाइप बना दी, जैसे ही मैंने इसकी नेचुरल शेप डिस्टर्ब कर दी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। मेरे पास एक पाइप था ऐसा प्लास्टिक का, मैंने जोर लगाकर उस पाइप को बेंड करा हुआ है, राइट, तो उसकी नेचुरल शेप डिस्टर्ब कर दी मैंने, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मेरे पास एक और रॉड है, रॉड, मैंने उस रॉड को लिया और उसको ट्विस्ट कर दिया बच्चे, उस रॉड को मैंने ट्विस्ट कर दिया, मरोड़ा दे दिया ऐसे, तो उसकी नेचुरल शेप मैंने डिस्टर्ब कर दी। ये सारे केसेस में पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इन सभी के अलग अलग फार्मूले होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में क्लास के मुताबिक पोजीशन वाला ही फार्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन बड़े दुख की बात होती है, मेरे को बड़े साल हो गए पढ़ाते हुए और 100 से भी ज्यादा स्कूलों की मैं क्लासेस ले चुका हूँ, बच्चों को ये फार्मूला भी अच्छी तरह नहीं पता होता। तो योर अटेंशन, बच्चे सोचते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी का बस एक ये फार्मूला होता है, लेकिन उनको इसकी कंडीशंस नहीं पता। ये फार्मूला तभी लागू होता है अगर ये मास सारे का सारा, होल मास इज एट हाइट एच फ्रॉम ग्राउंड। बच्चा कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय होल मास सर, तो मैं ध्यान से सुनना, ये प्रिकॉशन है, यहीं पर गलती करते हैं। अगर ये ग्राउंड हो, ध्यान से सुनना, और मेरे पास एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसको मैंने एम मास के पत्थर को ग्राउंड से एच हाइट पे रखा, अब सारे का सारा मास ग्राउंड का, स्टोन का ग्राउंड से एच हाइट पर है, तो इसके लिए ये फार्मूला करेक्ट है। लेकिन मैंने अगर एक रॉड ले ली होती, रॉड उसका हाइट भी एच होता, तब सारे का मार सारा मास तो एच हाइट पर नहीं है, क्योंकि कुछ मास यहां भी है, कुछ यहां भी है, कुछ यहां भी है, वो मास तो अलोंग दी लेंथ ऑफ दी रॉड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो कैसा फार्मूला लगेगा, इस रॉड का मिड पॉइंट लेना होता है, अगर सिमेट्रिकल रॉड है तो मिड पॉइंट में हम हाइट ले लेते हैं कैपिटल एच, तो कैपिटल एच जो होएगा नेचुरली वो क्या होएगा, स्मॉल एच का हाफ होएगा। तो आपको फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड के लिए फिर ये बनेगा, ये वाला एच पुट करना पड़ेगा, गॉट इट। और एक बात और, जैसे मैंने किसी बच्चे को ये रॉड का समझाया तो टेंथ सॉरी फाइनल एग्जाम में उनके टीचर ने ये वाला डाल दिया, बच्चा गलत करके आ गया, टीचर ने रॉड ही दे दिया लेकिन रॉड को हॉरिजॉन्टली रख दिया, हाइट एच कर दिया। जब हॉरिजॉन्टली रख दिया रोड को, नॉट वर्टिकल, तब तो सारे का सारा मास एच हाइट पर ही हो गया। तो सारे का सारा मास जब एच हाइट पर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इस कंडीशन में यही फार्मूला लग गया, ये सही है बिल्कुल। फिर ठीक है, तो जब मैंने ये करवाया स्कूलों ने ये डाल दिया, और जब मैंने ये करवाया तो स्कूलों ने ये डाल दिया, और जब मैंने ये करवाया तो एक सबसे टफ पढ़ाई होती है जिस स्कूल में, उन्होंने कुछ और कर दिया। तो मैं बताता हूं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ग्राउंड ले लिया और यहां पर रॉड रख दिया, रॉड रॉड की लेंथ दे दी एल, वर्टिकल रख दिया उसको, और जमीन से रॉड को वाई हाइट पर रख दिया। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी पूछी, तो जब रॉड वर्टिकल है तो उसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा बेटे, तो मिड पॉइंट जमीन से कितनी हाइट पर है वो फार्मूला हमें इसमें पुट करना पड़ेगा एम जी एच में। कैन यू टेल मी कि वो एच कितना होएगा, तो समझदार बच्चा बोलेगा सर वाई तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रॉड का लोअर एंड ही जमीन से, हमने तो जमीन से हाइट देखनी होती है, और फिर रॉड का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल है रॉड, तो वाई प्लस एल बाई टू विल बी एच, फिर उस एच को यहां पुट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, शाबाश। जिन बच्चों को पोटेंशियल एनर्जी का आर्टिकल पहले के मुकाबले ज्यादा क्लियर हो गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, पहले के मुकाबले ज्यादा क्लियर हुआ, वेरी गुड। एक बात और याद रखनी है, कभी कभी कोई बंदा ऐसे लैडर के ऊपर चढ़ता है, लैडर के ऊपर वो बोलेगा फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांच स्टेप चढ़ा, चलो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने पांच, एक स्टेप की हाइट कितनी है एच, तो टोटल हाइट नेचुरली कितनी होगी, एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू हाइट ऑफ वन स्टेप। ठीक है, फिर इस फार्मूले को हम पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में पुट करेंगे, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स कितना चढ़ा, टोटल हाइट लेनी है ना कि एक स्टेप की लेनी है। पेपर में आपको ये दिया होता है, तो आपने एच को यहां पुट करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स को यहां पुट करना है, तब टोटल हाइट को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करना है। और एक बात याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क, इनके फॉर्मूले आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं हमेशा, इसलिए अगर कोई टीचर पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम लिखाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम भी लिखा सकता है,
काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम भी लगा सकता है, क्योंकि ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, इक्वेटेबल होते हैं फॉर्मूले। तो ये चीज बच्चों को पता नहीं होती कि पावर ऐसे भी निकल सकते। शाबाश, ये सारा आपका बेस था। इस वक्त पूरे बोर्ड के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। शाबाश, नोट कर लो। जो पॉइंट पहले नहीं पता था, फास्ट सिर्फ वही नोट करना जो पहले नहीं पता था। गॉट इट? हरी अप। क्या क्या बताया टीचर ने? पोटेंशियल एनर्जी वर्क में कन्वर्टेबल है। और क्या बताया? पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और क्या बताया? ये बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन कॉन्फिग्रेशन, बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी भी हो सकती है। और क्या बताया? पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ यही फार्मूला नहीं होता, बाकी भी होते हैं। और क्या बताया? कि रेड वाला फार्मूला सिर्फ तब लगता है अगर सारे का सारा मास एच हाइट पर हो। गॉट इट? तो इस तरह से टीचर ने अपने बच्चों की नॉलेज में एनहेंसमेंट करने की कोशिश करी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे वापस। शाबाश, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। प्लीज रीड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 4। बेटे ये बच्चा मेरे को चाहिए माइक पे। शाबाश, 9th E में युवराज करके एक बच्चा है। युवराज, 9th E। नाइन्थ अच्छा हाँ हाँ बोलो बेटे। सर, जो आपने वो पोटेंशियल एनर्जी के 2 केस और बताए हैं उसमें भी एमजी एचसी एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला? उसमें भी कौन सा फार्मूला? एमजीएच हाँ तो मैंने बताया तो है ना, स्पेशल केस, ये वाले बेटे हैं। नो सर, हाँ नो, नीचे वाले केस बॉडी ये वाले। वाले से यस। इसमें मैंने बोला तो है कि बेसिक फार्मूला तो वही है, लेकिन एच को बड़े सावधानी से पुट करना होता है। एच को कैसे पुट करेंगे? रॉड के मिड पॉइंट से लेके ग्राउंड तक, रॉड के मिड पॉइंट से ग्राउंड तक कितना हाइट होएगा? रॉड का आखिरी किनारा जमीन से कितनी हाइट पर है? वाई। रॉड की लंबाई कितनी है? एल। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस बच्चे को। शाबाश, मान लो उसने रॉड की लंबाई दी है 10 मीटर, और वाई जो जमीन से उसका किनारा है वो कितना है? 5 मीटर लोअर एंड। तो जानते हो एच कितना पुट करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी में? रॉड का लोअर किनारा तो लेना ही पड़ेगा 5, प्लस रॉड के मिड पॉइंट तक हाइट कितनी होगी? एल का हाफ, यानी के 10 का 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? ये 10 मीटर आ गया। तो इस एच को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, MgH में। क्लियर हुआ बेटे? से यस से इसका मतलब फॉर्मूला वही लगेगा, बस एच की वैल्यू देख के पुट करने की हाँ कौन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सावधानी से एच को निकालना है फिर पुट कर। थैंक यू। शाबाश, बैठो बैठो। ऐसे बच्चे चाहिए मेरे को, जो मेरे को ये देखो बच्चा कितनी दूर से उठ के आया है, उसको पता है कि टीचर जरूर बताएगा। उसने जज कर लिया कि सर को नॉलेज है अच्छी खासी, और मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगी तो सर जरूर बताएंगे। इसको बोलते हैं टीचर के प्रति अपनापन शो करना। आई अप्रिशिएट दिस गर्ल, उसकी वजह से सभी का फायदा हो गया। तो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बच्चे, हमारे पास मास है कितना? 25 kg, और हाइट कितनी है बेटे? 8 मीटर। तो उसने वर्क कितना करा? अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो सकता है। वो कहेगा सर वर्क का फॉर्मूला तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा ये होता है, तो यहां तो फोर्स फोर्स कुछ दिया ही नहीं। पर मैंने यहां एक चीज बताई आपको, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब इंटरकन्वर्टेबल है। इसलिए वर्क डन का मतलब है हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एम जी एच, सारी की सारी बॉडी इकट्ठी उठाई है 8 मीटर पर, इसलिए हमारे पास डायरेक्टिव डाटा पुट कर है। 25, 8, और ग्रेविटी को कितना पुट करेंगे? अगर तो पेपर में उसने ग्रेविटी की 9.8 वैल्यू दी है तो आपको पुट करना चाहिए, राइट? नहीं तो आप 10 भी पुट कर लोगे तो नो प्रॉब्लम, कोई ज्यादा गलती नहीं करेगा आपकी छोटी क्लास में। अदरवाइज बिल्कुल एक्यूरेसी से करना है,
तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक और मैं बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर लिख देता है एट द सरफेस ऑफ मून। जब एट द सरफेस ऑफ मून लिख दे तो वहां पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है, यानी 9.8 को 6 से डिवाइड करोगे, 1.63 मीटर पर सेकेंड आपको ये पुट करनी है मून के लिए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, अर्थ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपने उसको अर्थ ही कंसिडर करना है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करा, तो व्हाट विल बी द आंसर बेटे? शाबाश। अगर मैं इसको 9.8 यूज करूं तो बिल्कुल एक्यूरेसी से तो 1960 जूल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन बना? शाबाश, फोर्थ क्वेश्चन ये ऑप्शन ए ऑप्शन। तो इसमें जानते हो सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि वर्क निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है, इंटरकन्वर्टेबल। ये छोटी सी बात नहीं पता होती बच्चों को कई बार, ठीक है? इसीलिए मैंने आपका बेस साफ नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। शाबाश। द गर्ल इज कैरिंग ए बैग ऑफ 3 किलोग्राम ऑन द बैक एंड मूव्स 200 मीटर ऑन द लेवल्ड ग्राउंड। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। शाबाश। एक गुड़िया है, उसने बैग उठा रखा है। बच्चे कितना बैग उठा रखा है इस गुड़िया ने? शाबाश। बैग पे दैट इज योर हाउ मच? हाउ मच बेटे? 3 kg, ठीक है? और ये 200 मीटर आगे चल रही है, 200 मीटर, राइट? तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से सुन, आप ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा धरती की तरफ खींचता है, और वो कितना होता है? वेट होता है, राइट? तो ये गुड़िया वेट के अगेंस्ट बैलेंस कर रही है, तो इसने फोर्स किधर को लगाया? ऊपर को लगाया, अगेंस्ट बोला है, तो दिस इज द फोर्स बाय द गर्ल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रही है, कितनी? 200 मीटर। और फोर्स कितना लगेगा? वेट के बराबर लगेगा। कैसे पता लगा? न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। एम हमें दिया हुआ है 3, ग्रेविटी को कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। चलो तो 30 न्यूटन इस गुड़िया ने फोर्स लगाया, दोनों की डायरेक्शन में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। टीचर ने क्या कराया था? कॉस ऑफ 90 कितना होता है? हमेशा याद रखना है, 0। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ दी थीटा। जैसे ही मैं इसको 0 पुट करूंगा तो वर्क विल कम आउट टू बी 0 जूल। 0 जूल होएगा। कौन सा ऑप्शन बना बेटे? बताओ बताओ कौन? ऑप्शन सो सिक्स्थ ऑप्शन क्वेश्चन का डी ऑप्शन बना। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये जो डाटा दिया है 30 न्यूटन 200 मीटर, ये सारा हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है? बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो बच्चा सोचेगा, आमतौर पर छोटी क्लास छोटी होती है ना आपकी उम्र, वो सोचेगा 30 न्यूटन ये भी दे रखा है, ऐसे थोड़ी है। वो गुड़िया काम तो कर ही रही है, बैग लेके जा रही है। याद रहे, नॉर्मल लाइफ में वर्क करना और फिजिक्स के फॉर्मूलों के मुताबिक वर्क करना अलग अलग है। नॉर्मल लाइफ वाला वर्क नहीं ले लेना फिजिक्स में, इसमें तो फॉर्मूलों से काम चलाना है। हम गॉट इट? गॉट इट बेटा? यस और नो बोलो। Yes. शाबाश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉय ऑफ 50 किलोग्राम रन्स ए स्टेयर केस 40 स्टेप्स इन 6 सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ द ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर। कई बच्चे कहते हैं सर, जब कई बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, ध्यान से सुनना, कि सर जब आप समझाते हो या हमारे मैम समझाते हैं तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन जब हमने करना होता है तो हमसे नहीं हो पाता, जबकि हमें फार्मूले भी पता होते। तो इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया आंसर यह है कि आप अपना सोल्यूशन उसी स्टेप से शुरू कर दो जो पेपर में आस्कड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेपर में पावर पूछा हुआ है, गॉट इट? हम सभी को पता है पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर तो वर्क नहीं है, बल्कि वो जो भी है बॉय वो ऊपर को चढ़ रहा है, राइट? तो ऊपर को चढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब पावर की बजाय पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। ओके, फिर अब देखो इसमें से कौन कौन सी चीज दे रखी है। टाइम तो उसने 6 सेकंड दे रखा है डायरेक्ट, ठीक
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था एम जी एच, तो एम कितना दे रखा है उसने, 3 kg, नहीं नहीं 50 kg, सॉरी 50 kg। ग्रेविटी कितना ले लेते हैं हम, ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, एच को अभी उतना ही रखते हैं। तो जैसे ही मैंने ये सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आया कि 500/6 तो मैं सॉल्व कर लूंगा जब भी करूंगा, पर मेरे को हाइट पता लगना चाहिए, पर हाइट ही नहीं पता, उसने दिया ही नहीं। गौर से देखो उसने क्या दिया क्या है, कहता वो एक स्टेयर केस चढ़ रहा है और एक स्टेयर केस की हाइट है 15 सेंटीमीटर। एक स्टेयर केस की हाइट कितनी है, स्मॉल एच कितना है बेटे, 15 सेंटीमीटर। पर हमें तो टोटल हाइट चाहिए, टोटल हाइट के लिए टीचर ने क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू हाइट ऑफ वन स्टेप। तो इसको यहाँ पुट कर दो, पर हमें क्या नंबर ऑफ स्टेप्स पता है, नंबर ऑफ स्टेप्स उसको देने चाहिए, 40 दे रखे हैं, तो इसका मतलब टोटल हाइट हुआ, नंबर ऑफ स्टेप्स को 50 पुट करेंगे बेटे, 50, और एक हाइट होगा जो 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम एच के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन जो बच्चा इतना काम भी कर देगा वो भी एक बड़ी मिस्टेक कर गया। कौन सी मिस्टेक कर गया, कि उसने जो हाइट को पुट कर दिया वो सेंटीमीटर में पुट कर दिया, जबकि इसकी ऐसे यूनिट होती है मीटर, इसलिए इसको 100 से डिवाइड करके फिर करना है आपने पुट। तो 50 को 100 से डिवाइड करा तो यह बन गया आप हाफ, हाफ हो गया ना बेटे, तो उधर कितना हो गया हमारा 2। अब ये 100 से डिवाइड करके मीटर में आ गया, तो एच तो 50 की जगह फोर्टी 40 नहीं आएगा? है बेटे, स्टेप्स यस, 40 स्टेप्स। 40 स्टेप्स है, ही इज राइट, 40 स्टेप्स है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे है, मजा आ गया मेरे को। जो बच्चा टीचर की मिस्टेक करेगा निकालेगा इतने कॉन्फिडेंस से तो टीचर खुश होता है। वो आ गया इतना, तो हाइट आ गया बेटे 6 मीटर अगर 40 स्टेप्स, तो इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, गॉट इट। तो 500/6 × 6 तो कितने वाट आ गया आंसर, 500 वाट। कौन सा ऑप्शन बन गया बेटे बताओ, जल्दी से बताओ, ऑप्शन बी ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन। अब टीचर ने अपने बच्चे को 6, 7 और 5, 4 ये 3 क्वेश्चन समझाए, थोड़े से तेज जरूर एक्सप्लेन करें, फिर भी टीचर आपसे पूछता है। कोई भी बच्चा अगर डाउट महसूस करता है मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है? तो टीचर पूछने लगा आपसे, आपने लेफ्ट हैंड खड़ा करना है, अगर किसी एक भी बच्चे का लेफ्ट हैंड खड़ा होएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेदर इट इज क्लियर टू माई स्टूडेंट्स, अगर आता है तो राइट हैंड बेटे, अगर समझ आ गया तो राइट हैंड, प्लीज प्लीज, वेदर इट इज क्लियर टू माई स्टूडेंट्स, गुड जॉब। फोर्थ का तो काम खत्म, ये समझ आ गया। फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन, सच बोलना है आपने, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? और याद रहे सिक्स्थ क्वेश्चन का पार्ट इस रेड लाइन से इधर इधर है। देखो टीचर ने 90 डिग्री दिखाया और cos 90 को पुट करके वर्क को 0 कर दिया। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड सिक्स्थ क्वेश्चन बेटे, एक तरफ हाथ जरूर खड़ा करना है, लेफ्ट या राइट प्लीज, मैं अच्छी तरह से खुद ही देख रहा हूं, अगर एक भी लेफ्ट हैंड खड़ा होएगा तो मैं, एक गुड़िया का लेफ्ट हैंड खड़ा है बच्चे, ये देखो 9th B में लास्ट वाली जो, अभी उसने नीचे कर दिया गुड़िया, बेटे राइट हैंड खड़ा करना है आपको, अगर समझ आ गया, लेफ्ट खड़ा होएगा तो मैं बताऊंगा दोबारा। यस वंस अगेन, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, हाँ एक गुड़िया है, तो इसका मतलब है बेटे 9th B में दीवार वाली लाइन पे आ जाओ, दीवार वाली लाइन पे, अभी इस बच्चे ने राइट हैंड खड़ा कर दिया, ओके गुड जॉब, गुड जॉब, शाबाश। अब 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में टीचर ने क्या करा, एक स्टेप को नंबर ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई करके टोटल हाइट निकाल ली और पोटेंशियल एनर्जी का एमजीएच फार्मूला लिख दिया, वर्क की जगह पर टाइम से डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशंस कर दी। तो हैव यू अंडरस्टूड 7th क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड बेटे, अगर नहीं समझ आया तो एक भी बच्चा लेफ्ट करेगा, आई एम ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग ऑल राइट हैंड, थैंक यू वेरी गुड वेरी गुड, सो यू आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है? तो हम आगे बढ़ेंगे बेटे, आगे बढ़ेंगे एक बार फिर से, जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूँ मेरे बच्चे 8th क्वेश्चन करने की कोशिश सर, करें। हाँ बेटे, सर सिक्स्थ क्वेश्चन समझाना एक हाँ बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बच्चा मेरे को चाहिए, 6th क्वेश्चन पूछ रहा है दोबारा, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, 1 मिनट में कर देंगे, 1 मिनट में। गौर से देखो 6th क्वेश्चन में पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यहां तक ठीक,
वर्क को पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं, यहां तक ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी इंटू टोटल हाइट डिवाइडेड बाय टाइम, और जो टोटल हाइट होती है, टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, एक स्टेप की हाइट है स्मॉल एच और नंबर ऑफ स्टेप्स है एन, तो मैंने इसको लिख दिया एम जी नंबर ऑफ स्टेप्स इंटू एक स्टेप की हाइट, टोटल हाइट बन गई और डी टी हो गया। अब डाटा पुट कर दो, लड़के का कितना है 50, ग्रेविटी कितनी है 10, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 40, एक स्टेप की हाइट कितनी है 0.15 मीटर में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटरों से, टाइम कितना दिया उसने 6 सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 500 वाट आ जाता है। बोलो बेटे कोई डाउट है तो, शाबाश। कौन सा बच्चा था प्लीज माइक पे दोबारा आए मेरे के पास, मेरे पास दोबारा आए माइक पे बच्चा वो बेटे। पहला स्टेप क्लियर है, पहला स्टेप यस, सेकंड स्टेप क्लियर है, यस, थर्ड स्टेप क्लियर है, एमजीएच फार्मूला लगाया, यस, फोर्थ स्टेप में टीचर ने एक स्टेप की हाइट को नंबर ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई करके एच की वैल्यू, कैपिटल एच की वैल्यू पुट कर दी एन एच। क्लियर है यहाँ पर? यस। बस फिर तो कैलकुलेशंस करनी है बेटे, फिर तुम्हारा काम है। सो लेट्स मो, इस तरह से मेरे को बच्चा चाहिए कोई जो टीचर को अपनापन देगा, टीचर उसको अपनापन देगा खुद से। शाबाश। 8th क्वेश्चन, प्लीज रीड इट, प्लीज रीड इट एट द अर्लीस्ट। ये बच्चा माइक पे आए, शाबाश। गुरलीन कौर 9th C, गुरलीन कौर 9th C, प्लीज रीड द 8th क्वेश्चन ऑन माइक। कोई बोले नहीं रहा बेटे, क्लास में गुरलीन कौर कोई है ही नहीं, नाम भूल गया बच्चा क्या? चलो मैं ही पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज फॉलिंग एट ए रेट ऑफ 100 किलोग्राम पर सेकेंड। जो पानी है ना बच्चे, पानी ध्यान से सुनना, वाटर फॉल कर रहा है डाउन, और कितना गिर रहा है वो, 1000 किलो गिर रहा है पर सेकेंड, 1000 किलो पर सेकेंड। याद रहे बेटे, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की, टाइम किसकी यूनिट होती है, सॉरी सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो बेसिकली उसने मास अपॉन टाइम दे दिया हम। ओके, अब क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द फॉल इज 100 मीटर, एच दे दिया उसने 100 मीटर, जहां से पानी गिर रहा है। ओके, अब क्या करें, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर व्हेन इट फॉल्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ द मोटर विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लेड्स। ओके, ये जो पानी नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ने टरबाइन के विंग्स को घुमा दिया, फिर बिजली बनती है, वहां से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, कह रहे ग्रेविटी को आप 10 ले लो, ले लिया जी। फिर क्या करें, एस्टिमेट द पावर दैट कैन बी जनरेटेड इफ एनर्जी इज नॉट लॉस्ट अदरवाइज। मतलब कहते हैं आप पावर कैलकुलेट करो, अज्यूम ये करना कि हीट वगैरह में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। ध्यान से सुनो, अब मान लो मैं अपने आप को स्टूडेंट बनाता हूँ 9th क्लास का, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन मेरे को अपने टीचर की एक बात याद आ गई, सर ने बोला था कि कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन वहां से शुरू कर दो जो आस्क्ड है। तो मेरे क्वेश्चन में उन्होंने मेरे से पावर पूछा, व्हाट इट, पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ तो वर्क का कोई लेना देना नहीं, लेकिन आखिर में वो काइनेटिक एनर्जी बनी है ब्लेड की, तो काइनेटिक एनर्जी की वर्क, टीचर ने बोला था वर्क और काइनेटिक एनर्जी और उनके फार्मूले आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, किसके किसके, पोटेंशियल काइनेटिक और वर्क के। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम लिख दिया, इतनी टरबाइन घूमेगी और ये टाइम, लेकिन मेरे पास तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी वगैरह पता होनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ½mv2। तो मेरे पास तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं यहाँ पर कुछ डाटे में, तो मैंने देखा पोटेंशियल ही काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है, तो मैंने उसको पोटेंशियल अपॉन टाइम लिख दिया। अब मैंने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता है, यस पता है, mgh / t। अब मैं देखूं
क्या मैं डाटा पुट करूं, क्या मेरे पास मास अपॉन टाइम की वैल्यू पता है, ग्रेविटी पता है, हाइट पता है? तो मैंने देखा यस, हाइट मेरे को पता है, ग्रेविटी मेरे को पता है, और मास अपॉन टाइम की ब्रैकेट की वैल्यू भी मेरे को पता है। मैंने कैसे जज कर लिया था इसको, यूनिट देख के, किलोग्राम अपॉन सेकेंड, मास अपॉन टाइम। तो मैंने इसको डेटा पुट करा, तो पावर कम्स आउट टू बी 1000 मास पर टाइम, ग्रेविटी को 10 ले लिया और हाइट कितना 100 बेटे। तो ये सारे का सारा कितना हो गया, कितने जीरोस हो गई, ये 6 जीरो होगी, 10 रेज टू पावर 6 वाट। ठीक है, कौन सा आंसर बना इसका बताओ, जल्दी बताओ। ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन बना, गॉट इट। नाइन्थ क्वेश्चन चलते हैं। अ गर्ल इज कैरिंग ए बैग ऑफ 3 किलोग्राम ऑन हर बैक एंड मूव्स 200 मीटर ऑन द लेवल ग्राउंड इफ द ग्रेविटी। ये तो बच्चे हम कर चुके हैं पहले, इसके साथ का क्वेश्चन कर चुके हैं हम। नाइन्थ का 0 जूल आएगा, यानी कि उसका ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री होता है और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस 90। कॉस 90 जो होता है ना वो 0 होता है बेटे, इसलिए ये नाइन्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसके साथ का पहले करा था। टेंथ क्वेश्चन, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा याद रखना है ना, टेंथ क्वेश्चन में जब भी काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करो तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये पक्का रूल है। सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इनकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जितनी होती है उतनी रहती है कंजर्व्ड। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या करा, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन। सभी बच्चे एट्थ क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, शाबाश, एट्थ क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं इसको पेपर में जरूर डालू, शाबाश, पुट द स्टार। ऊपर लिख देना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। सो टीचर फिर से वही बात पूछने लगा, क्या उसके बच्चों को, योर अटेंशन, एट्थ क्वेश्चन समझ आया, यस और नो, राइट हैंड, यस यस और नो, वेरी गुड, सबका राइट है, बिल्कुल। नहीं समझ आया तो लेफ्ट करना, क्या नाइन्थ क्वेश्चन तो चलो छोड़ो, टेंथ क्वेश्चन आपको समझ आया, टेंथ में तो फार्मूला ही था बस। ठीक है, सो ये वाला तो हमें पता लग गया, तो आई थिंक वी शुड मूव टू द 11th क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली, 11th क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। ओके बेटे, प्लीज रीड द क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। कोई बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा? ए बॉल ऑफ मास, हाँ, 11th क्वेश्चन में अब ये काइनेटिक एनर्जी पे आ गया, ध्यान से सुन लेना, काइनेटिक एनर्जी का बेस बनाने लगा है टीचर। आपको लगता है कि काइनेटिक एनर्जी हमें आती है, लेकिन ध्यान से सुनना, नई चीजें कितनी पता लगेंगी। काइनेटिक एनर्जी, शाबाश, बेसिक्स बनने लगा है, बेसिक्स, योर अटेंशन। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन ऑफ द बॉडी, और ये बिल्कुल सही डेफिनेशन। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल भी हो सकता है, अर्ग भी हो सकता है, डेटा आपने जूल में पुट करना है। 1 जूल 10 टू पावर 7 अर्ग होता है, और काइनेटिक एनर्जी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर दोनों होते ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तब हमने इसको वेक्टर लिख दिया होता। अगली बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ चलती हुई बॉडी का मास और उसकी स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी का स्क्वायर, गॉट इट। जब भी मास को पुट करना है, किलोग्राम में पुट करना है, और वेलोसिटी को पुट करना है, मीटर पर सेकंड में पुट करना है। अगली बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और भी होता है, हाफ पी इंटू वी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तब भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये वाला पता नहीं होता बच्चों को, नोट कर लो अगर नहीं पता। पी का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये होता क्या है, किसी चलती हुई बॉडी में मोशन कितना समाया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी।
ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, हाफ मोमेंटम का स्क्वेयर अपॉन मास, मोमेंटम का स्क्वेयर अपॉन मास, मास ऑफ द बॉडी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसके बिना मोमेंटम का खुद का फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी, चलती हुई बॉडी का अगर मास एम हो और वी बी वेलोसिटी से चल रही है तो उसमें कितना मोशन भरा हुआ है, तो लीनियर मोमेंटम होता है। पी का मतलब क्या होता है बेटे? लीनियर मोमेंटम। जब बॉडी लाइन में चल रही है तो उसमें कितना मोशन भरा हुआ है, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में पुट करना है और बाकी यूनिट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो मेरे को जरूर पक्का यकीन है कि आपको इंट्रोडक्शन में और ये फार्मूलों में दो, तीसरा और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, कोई ना कोई नया पॉइंट जरूर पता लगा होगा, कोई ना कोई। और सिक्स्थ पॉइंट भी याद रखो, शाबाश, सिक्स्थ पॉइंट। अगर कल को आपको काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में ग्राफ पूछ ले तो इस तरह का ग्राफ बनाना आपने। इसको बोलते हैं पैराबोला नेचर ऑफ द ग्राफ, पैराबोला नेचर ऑफ ग्राफ, ठीक है। यानी वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गॉट इट। ये आपने याद रखने हैं सिक्स पॉइंट। जिन भी बच्चों को एक भी नया पॉइंट इसमें पता लगा, एक भी नया पॉइंट, वो प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड अगर एक भी नया पॉइंट पता लगा। शाबाश, इससे टीचर को पता लगता है बच्चे, गुड जॉब, गुड जॉब। नाउ वी विल नोट कर लो जो भी नया पॉइंट पता लगा। अब हम बाकी के क्वेश्चन, मेरा ख्याल 11th क्वेश्चन से आप घर से करके आओगे सारे क्वेश्चन, ठीक है बेटे। सो आज का लेक्चर आपको समझ आया? इफ यू हैव अंडरस्टूड टूडेज लेक्चर, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स लाइक दिस, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स लाइक दिस, प्लीज 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 कोऑपरेट द टीचर। शाबाश, नोट कर लो इसको, बाकी का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा भी बता दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल।